अमृत दिन न्यूज पटना बिहार की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और प्यार भरा सलाम। आज राजधानी पटना में समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे राज्य के युवा कलाकार अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। राजधानी स्थित बिहार ललित कला अकादमी यहाँ संयम शीर्षक से एक समूह चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए मिलते हैं एक दिल्ली से आए हुए कलाकार से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम सुधीर कुमार पंडित हुआ जी, और मैं पटना आर्ट्स कॉलेज से मैंने डिग्री कर रखा हूँ। कौन सा बैच था आपका? मैं 92 बैच का हूँ जी, और ये पेंटिंग मेरे दिल्ली पटना में लगी है। अच्छा अच्छा, क्या विषय है इसका जरा बताएंगे? ये सर ये है गणेश पे आधारित है फिल्म पेंटिंग। ये गणेश है, इसको मैंने कैनवास पे सैंड को वाश करके उसके बाद कलर से बनाया गया है। ये आपकी प्रदर्शनी यहाँ पहली बार लगी? हाँ जी, ये पटना में मेरी पहली प्रदर्शनी है जी, और मैंने पटना से पास करने के बाद जी मैं दिल्ली में शिफ्ट कर गया। दिल्ली में ग्राफिक्स का काम करता रहा, और 25 साल बाद मैंने फिर पेंटिंग शुरू की जी। और ये पेंटिंग हमारा पहला है जो कि मैं पटना में ललित कला अकादमी में प्रदर्शन किया हूँ। आइए देखते हैं और आपकी कलाकृतियाँ जो है। हाँ, दर्शक देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं। भगवान बुद्ध है जी, एक रैली कलर से इसको मैंने बनाया है, और इसमें बुद्ध अपने बुद्ध मुग्ध है, ये अपने आप में इनकी सोच, इनका ख्याल, और इनका शिष्य भी ध्यान कर रहे हैं इनको, भगवान बुद्ध को बहुत भिक्षु। और इनका कलर मैंने बहुत ही कलरफुल दिया हूँ जी, ताकि इनका जीवन ही बहुत संघर्षमय रहा है, जंगलों में, पहाड़ों में, वीरानों में, इस तरह से इन्होंने संकल्प लिया था दुनिया को कुछ अच्छा करने का और अच्छा शिक्षा देने का, तो ये मैंने दर्शाया। ध्यान अवस्था में है अभी? ध्यान अवस्था में जी, बहुत ही अच्छा। रंगों का चयन भी आपने बहुत अच्छा किया है। हाँ जी सर। और इधर सर ये भी भगवान बुद्धि है जो ये मैंने एक रैली कलर से बना रखा हूँ, मगर इसमें सबसे ये खासियत है ना कि इनका जो कलर्स है, हाँ, विभिन्न कलर, एक अजब जिसको कहते हैं इनकी अंधकार, घनघोर और बहुत ही व्याकुलता, इस तरह से कलर में झिझोर कर लगता है कि झुंझरापन है। तो ये जो है कि भगवान बुद्ध जो ऐसे भी पहाड़ों में, जंगलों में भटकते थे, वो चीज़ मैंने दर्शाया है कि तपस्या में कितने विलीन हो गए थे, कि रंगों के माध्यम से मैंने दिखाया है। और ये उनके जो शिष्य हैं बौद्ध के शिष्य, उनसे ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा। और इसमें रंगों का जो ये रंगों की लहरें हैं वो दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। ये सर ऐसा है ना कि ये बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ा जी इसको देने के लिए, कैसे बने, क्या बने, इसमें मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैंने इसको ये चीज़ लाई। ये आपका नया प्रयोग है? हाँ, नया प्रयोग रंगों है के साथ जी। हाँ, जो रिदम के साथ ही बहुत अच्छे, रिदम के साथ ही इसका फेस का भी कलर्स और टेक्चर लगे कि हाँ, मतलब कि पूरी ब्लीन है, पूरा दुनिया इसके पीछे है, और ये है मतलब सब पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं।
मन में जो विचारों की तरंग उठते हैं, हाँ जी, अच्छे बुरे, हाँ, वो सारा दिख रहा है इसमें, वो सारा मैंने कोशिश किया दिखाने का। हाँ, बहुत अच्छा। और बहुत भिक्षु भी जो हैं वो, हाँ, बुद्ध के शरण में हैं, उन्हें चाहिए शांति, शांति, और इन्हें शांति मिल भी रही है, हाँ जी। जो कि बोधगया जाने पर, बोधगया मंदिर जो है, हाँ, वहाँ जाने पर शांति का अनुभव होता है जी, वो मैंने दर्शन, बहुत अच्छा। और इसमें ये है सर राधा कृष्णा जी, बांसुरी के दिन पे राधा उनके प्रति बहुत ज़्यादा विभोर हो गई है, ठीक है, इसलिए इसको भी इसी तरह से बनाया गया है कि ये सैंड है, ये कैनवास पे सैंड करके उसके बाद कलर के माध्यम से बनाया गया है, कलरफुल राधा कृष्ण का प्रेम दर्शाया आपने। हाँ, प्रेम दर्शाया हूँ कि राधा कृष्ण तो ऐसे भी बांसुरी पे ही पूरी दुनिया ही नतमस्तक रहे हैं कृष्ण के बांसुरी पे, तो ये मैंने दर्शाया है कि बांसुरी बजा रहे हैं और राधा मग्नमुग्ध होकर के उसके पास करीब वो बैठी हुई हैं, आई हुई हैं। श्री कृष्ण की जो मुरली की धुन थी वो बहुत ही जादुई थी, मनोहर, बहुत मनोहर। हाँ, पशु पक्षी भी उसकी दीवाने थे जो है ना, दीवाने थे, उनके दीवाने थे। और गोपियां तो कह नहीं पाते, सारा काम छोड़ के चली जाती थी, बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खाना जो पक रहा है उसको भी छोड़ करके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सारा काम छोड़ के दौड़ आती थी, कहाँ बज रहा है। और गाय तो खैर प्यारा थी, गाय भी, सारी गाय सुनने के लिए आ जाती थी, सुनने के लिए आती थी, कहाँ कृष्णा है। तो ये सर मैंने इसमें दर्शाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इनका तो स्थानीय था वो पेड़ पौधा जंगल कृष्ण का, जहाँ पे गार्डन है सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा, वहाँ पे इसलिए पत्ते वगैरह के दिखा रखा हूँ। और बस बहुत अच्छा जी, ये भगवान बुद्ध ही हैं जी, जो कि विश्राम के अवस्था, हाँ, में है, और उनका शिष्य जो है इनको ये कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं जी। और ये भी सैंड पे बना हुआ पेंटिंग है, हाँ, सैंड, हाँ, कैनवस पे सैंड लगा करके एक नया टेक्निक बनाने का दिखाया हूँ। अच्छा, एक बात बताएंगे पंडित जी, क्या ये सैंड का जो यूज हो रहा है कौन सा कलर है ये? ये सर एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक कलर, सैंड एंड एक्रेलिक कलर का यूज जो है रंगों के माध्यम से ये चित्र बनाना, क्या आप एकमात्र कलाकार ही और भी कलाकार कर रहे हैं ऐसा? नहीं, और भी कलाकार हैं, लेकिन गिने चुने लोग हैं। आपको पता है कि और भी कलाकार कर रहे हैं ये काम, या केवल आप ही हैं? सर मेरे को तो सिर्फ एक ही लगा एक कलाकार है। कौन? जो हमारे बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है, सीनियर है, वो दिल्ली के हैं, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। नाम क्या है उनका? नाम है सर सतीश गुजराल है सर। हाँ, सतीश गुजराल, मैंने नाम सुना है उनका। हाँ, तो वो सतीश गुजराल का काम मैंने देख करके कि मैंने, मेरे को अच्छा भी लगा, अच्छा। तो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने सैंड पे बनाने की कोशिश की। आप उनसे मिले सतीश गुजराल? नहीं सर, नहीं। चलिए, भविष्य में आपको मुलाकात हो उनसे। हाँ जी, हाँ, शुभकामना मेरी, कभी मुलाकात हो, बात हो, चूँकि उन्हीं की प्रेरणा पर मैं ये पेंटिंग बना भी रहा हूँ, और संयोग ऐसा है कि लोग को अच्छे भी लग रहे हैं। बहुत अच्छा, एक अट्रैक्शन है इस प्रदर्शनी का, जो है एक अट्रैक्शन है। हाँ जी, इस बार मैंने जो ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है जी, तो मैंने ये कोशिश किया है कि ज़्यादा क्रिएटिव ना करके मैंने रियलिस्टिक किया है। हाँ, जो दर्शक हैं, आम दर्शक भी जो है, गांव के भी हैं, हाँ जी, हाँ, वो भी समझ जाएंगे क्या दिखाया गया, छोटे बच्चे, महिलाएँ, सभी भी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। इसमें आपने क्या दिखाया है? इसमें सर ये राधा कृष्ण ही है। हाँ, इसमें जो बांसुरी के दिन पे राधा जो है ना, मतलब कि एकदम तेजित कहते हैं कि वो धुन में खोई हुई है, जो इसका एक्सप्रेशन देखे, बांसुरी बजाते हैं, वो संगीत बहुत अच्छा लगा, तो उसमें प्रेम रस की दीवानी, प्रेम रस की, हाँ, दोनों, वो चीज मैंने दर्शाया है इसमें। और उसमें तो कुछ दिखता नहीं है, ये प्रेम की दुनिया में और कुछ नहीं दिखता है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो धुन पे ही लगे रहते हैं। हाँ, तो वो चीज़ मैंने इसमें दिखाई है, भी शेड पे काम किया है। और वो दीवानापन, हाँ, वो प्रेम का जो है वो धुन, हाँ, इसको मैंने कोशिश किया है, बहुत अच्छा, एक ही कलर में लेके चले, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब शो कर रहा हूँ, पेंटिंग्स में बनाई है, तो सारे अलग अलग कलर्स दिखाने की कोशिश किया हूँ, इसमें मोनोक्रोम एक कलर में, बहुत अच्छे, बाकी सारे कलरफुल्स हैं, लेकिन उसमें से ये अलग है कम से कम, तो लोगों को अलग अलग ढंग से खींचती है देखने के लिए, कुछ कुछ तो है, तो दर्शक आते हैं, इनको देखते हैं,
प्रेम रस को दर्शाया गया, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, हाँ जी सर। और जिसे प्रेम रतन मिल गया उसे तो और कुछ नहीं चाहिए, और बहुत बहुत हायर लेवल का चीज़ है प्रेम। हाँ जी, हाँ का ज्ञान प्राप्त करना बहुत हायर लेवल का, और ईश्वर की जिस पर कृपा होगी उसी को मिलेगा प्रेम रतन। और सबसे कीमती धन अगर है तो प्रेम है। और जिसे प्रेम मिल गया मतलब समझिए कि ईश्वर से मुलाकात हो गई। प्रेम के कहना, प्रेम के बारे में तो राधा कृष्ण के बारे में कुछ कहना ही नहीं है। अलौकिक प्रेम था, अलौकिक प्रेम था। और जो अलौकिक प्रेम है वो लोग समझ, लोगों को जानकारी नहीं है कैसा प्रेम था गोपियों के साथ, राधा के साथ, कृष्ण का। वो अलौकिक प्रेम था, दिव्य प्रेम। वो चीज़ मैंने दिखाया, वो बहुत अच्छा। और उधर भी है, इधर भी कुछ आता है, उधर भी है। ये सर यहाँ भी राधा कृष्ण का, ये राधा कृष्ण सर जी, इसी भी मैंने वही दर्शाया है मुरली के धुन पे। दोनों प्रेम दीवाने, प्रेम दीवाने। हाँ। अब इनमें क्या कि जितनी पेंटिंग्स बनाया मैंने सभी में कलर्स का अलग अलग रंग मैंने दिया है, बिल्कुल डिफरेंट। इसमें राधा जो है थोड़ा श्रृंगार में भी है, इसमें दोनों खुश है, दोनों का भाव भी बहुत सुंदर आपने दिखाया है भाव। और शांति और सीतल, हाँ हाँ बहुत सुंदर शांति सीतल। अच्छा एक एक बात बताइए, यहाँ जो सिर पर आपने ये नारंगी रंग दिखाया है, किस कारण से? या चंदन लगाया क्या दोनों ने? नहीं चंदन नहीं होता है, ये एक पेंटिंग का एक स्टाइल होता है। ये भगवान है, भगवान ने जो मैंने भगवान को बनाया, भगवान का एक लीला होता है, उनका एक रूप होता है। ये अगर मैं इसको नहीं देता हूँ, एक मेरी पहचान है मेरी, चलो भाई कहीं पे भी एक कलर कुछ अपना पहचान बना दो। ये मैंने अपना पहचान बनाया रेड कलर लगा के, दोनों को नारंगी रंग, नारंगी रंग का इस्तेमाल किया है। ऐसे भी मैं अलग अलग रंगों का प्रयोग किया मैंने, बहुत अच्छा सीतल देखने में बहुत ही शांति महसूस होती है। हाँ बहुत अच्छा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये लाफिंग बुद्धा है सर, ये चीन में तो बहुत चाइना में फेमस है। हाँ। जैसे हम लोगों के यहाँ होता है कि गणेश जी की पूजा, शुरुआत में गणेश जी की पूजा होती है, तो चाइना में भी लाफिंग बुद्धा के बगैर आगे का शुभ काम नहीं होता है। तो मैंने ये दर्शाया लाफिंग बुद्धा को कि देखने के बाद आदमी खुश रहे हमेशा, उसको देखने के बाद हंसे। लोग जो टेंशन में है ना वो खुशी के मारे झूमे, तो कुछ तो हंसी आए। ये मैंने लाफिंग बुद्धा में दर्शाया है कि आप इनको देखने के बाद आप हंसे, टेंशन ख़त्म। और इसे चाइना में लोग कहते हैं कि ये बुद्धा का ही एक रूप है, लाफिंग बुद्धा जो कहा गया है, बुद्धा का ही रूप कहा गया है। और इसे ये मूर्ति को रखना बहुत लोग शुभ समझते हैं, शुभ समझते हैं। जैसे हम लोग क्या गणेश को शुभ समझते हैं। हाँ। जो काम की शुरुआत गणेश से होता है। हाँ। तो वहाँ पे काम की शुरुआत एक लाफिंग बुद्धा से होता है, लोग उसको रखते हैं। अब यहाँ भारत में भी, पटना में भी, राजधानी पटना में भी लोग अपने घर में रखते, छोटा सा भी कार में भी रखते हैं ये लाफिंग बुद्धा का, और कहते हैं कि इससे घर में खुशियाँ आती है। पसंद आए तो अपने घर में रख सकते हैं। हाँ, ड्राइंग रूम की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। शोभा भी बढ़ा सकते हैं। हाँ। और कलरफुल मैंने काम किया। हाँ। अगर इस पेंटिंग को अगर कोई ड्राइंग रूम में अपना सजाए तो वो ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ जाएगी, शोभा बढ़ जाएगी। और उसका कोई हॉल भी अगर है तो। हाँ। जी बहुत अच्छा। जो आदमी निराश है निराशा खत्म हो जाएगी उसको देखने के बाद। हाँ। और एक चीज़ तो सही कहा गया, अगर हम किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखेंगे तो छोटा बच्चा, अगर रोता हुआ बच्चा भी तो हंसेगा, रोना भूल जाएगा, रोना भूल जाएगा। और रोता हुआ अगर सीते तो उसके भी आंखों में आंसू आ ही जाएंगे, नेगेटिव वो तो पड़ता ही है, इसलिए हंसता हुआ। हाँ तो जहाँ भी ये लाफिंग बुद्धा रहेगा वहाँ खुशियाँ, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ। हाँ, खुशियों की बाहर आएगी। बहुत अच्छा बनाया है आपने। और इधर भी एक कलाकृति, राधा कृष्ण, इसका मैंने येलो कलर का प्रयोग किया है। आपने देखा ब्लू कलर, कलरफुल, मल्टी कलर, इसमें मैंने येलो का इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छा भी येलो, ये भी प्रेम प्रसंग दिखाया हूँ मैं, कृष्ण और राधा का जो प्रेम है। मेरा नाम हुआ सर सुधीर कुमार पंडित। सुधीर कुमार पंडित। इसके भी बहुत प्रशंसक थे कल, एक ये आर्ट कॉलेज के एक हाँ जी हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही
उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी, बहुत प्रशंसा की थी। उनका नाम सुरेंद्र लाल दास कलादर्शी है, वरिष्ठ कलाकार हैं और बहुत ही प्रशंसा की। वो बोले कि मैंने पहली बार इतना अच्छा कंप्लीट चित्र को देखा। उन्होंने कहा कि कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है जी, जो ड्राइंग है, जो कंपोजिशन है और जो सजाया गया है जी जी, उसके बारे में उन्होंने बताया। लाइन जो है वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे को खुशी हुआ उनको बात सुनकर कि वाकई में। और यह जो चित्र है, इसका जो लाइन है, वो दर्शाता है कि इसका कलाकार जो है वो जरूर एक पहुंचा हुआ कलाकार है। उसके हाथों में, रंगों में, ब्रश में जो है जादू है, जो कि प्रेम रंग को दर्शा सकता है बहुत ही अच्छा, अध्यात्म रंग को भी दर्शा सकता है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने दर्शाया है राधा कृष्ण के प्रेम को। और आपको कैसा लगा, आप कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत, बस पेंटिंग देख करके उसमें खो जाने का मन करता मन करता है कि उसी दुनिया में चले जाए। कितनी भी देर देखते रहे जी नहीं भरता जी। बहुत अच्छा। और सुधीर कुमार पंडित जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह की कलाकृतियाँ बनाते रहेंगे और दुनिया को प्रेम रस, अध्यात्म रस की दुनिया में ले जाएंगे और उन्हें अनुभूति होगी प्रेम रस क्या है, प्रेम क्या है। क्योंकि प्रेम के बिना ये दुनिया अधूरी है और प्रेम के बिना ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का आशीर्वाद, आशीष, वो भी अधूरा है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप कला साधना में लगे रहेंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कार प्राप्त हो। और तो पहला प्रयास है अभी पटना में, इसके बाद हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रदर्शनी लगे, पुरस्कारों की बारिश हो, इसी शुभकामना के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दी न्यूज, पटना बिहार।